गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यू स्टॉक चैनल में। आज हमारे सामने कमाल का जुगाड़ आया है, जहाँ पर एक बुलेट डीजल से चलती है, 100 किलोमीटर का माइलेज देती है। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला, कहाँ पर ये बनी है बाइक और डीजल से चलती है। इसके मामले के ऊपर नजर डालेंगे, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में बताते हुए ये जरूर जाइए कि आप लोगों को टू व्हीलर अच्छा लगता है या फोर व्हीलर, टू व्हीलर या फोर व्हीलर, बस इतना ही आपको कमेंट करना है। और पूरी वीडियो देखने के बाद एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करती है आज की न्यूज। छत्तीसगढ़ से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर नौशाद नाम का एक शख्स रहता है। वो एक्चुअली एक किराए की दुकान में काम करते हैं, उनका खुद का काम है, और वो गाड़ियां जो टू व्हीलर्स होते हैं उनको मॉडिफाई करती हैं। आपने देखा होगा कि फोर व्हीलर्स को मॉडिफाई करते हैं, पर उसी के साथ इन्होंने मॉडिफाई करना शुरू किया बाइक्स को। अभी तक इन्होंने 35 बाइक्स मॉडिफाई कर दी है, और उसी के साथ साथ ये जो मॉडिफाई करते हैं 25,000 से 30,000 या तो 40,000 रुपए इनको खर्चा आता है और उसको मॉडिफाई करके देते हैं। इनको एक्चुअली बुलेट राजा भी बोला जाता है, क्योंकि इन्होंने 1980 की बाइक, जो बुलेट बाइक है, उसको लेके आए और उस दौरान इन्होंने मॉडिफाई की, और मॉडिफाई करने के बाद ये सब चीजें की कि ये डीजल से चलती है और 100 किलोमीटर का माइलेज देती है, बहुत ही अच्छी है। लोग बहुत ही ज्यादा इनकी तारीफ करते हैं, तारीफ के पुल बांधते रहते हैं, और कोई भी ऐसी समस्या हो तो इनके वहां पर जाते हैं, गाड़ी की समस्या हो तो। गाइस, अगर आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं, अगर आपको इनके बारे में पता है तो बताइए जरूर हमें भी कि आपने कभी मॉडिफाई करवाया है अपना बाइक, और आपको टू व्हीलर पसंद है या फोर व्हीलर पसंद है। बस सिर्फ इतना ही मैसेज करना है, इतना ही कमेंट करना है, टू व्हीलर और फोर व्हीलर, बस और कुछ नहीं है। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।